सब नू प्यार भरी सत श्री अकाल जी। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। मैं हरजिंदर कौर सिमरसर साहब जी तो। अज मेरे है अपराजिता ते कनेर, वाइट कनेर वाले इको पॉट्स लगे हुए थे। इको पॉट्स लगे तो इन्हों का रूट बाउंड हो गया। इन्होंने पॉट नू तोड़ दिता, बिल्कुल चकना चूर हो गया पॉट। तो इन्हों मैं दोवों नू अलग अलग कर लिया आ। ये अपराजिता तो ये वाइट कनेर वाला, इन्होंने अलग कर दिता। तो मैं इदा रिपोर्टिंग कर लगी सी। मैं कहा चलो एक वीडियो शेयर कर लें थोड़े ना किस तरह करनी है। ये मैं गमला तैयार किया, ये मैं किचन वेस्ट पाया थोड़ा जा, गार्डन वेस्ट भी थोड़ा जा है नाले दे। ते नाले दे विच मैं दूसरी मिट्टी आ घर की कंपोस्ट घर की तैयार की, खाद थोड़ी जी थोड़ी जी। देखो ये काफ़ी काफ़ी ठीक हो गई है, थोड़ी गिली है, बरसात पै गई सी ये। ये एक आउट डैंक हैगी है, बिल्कुल एक साल डेढ़ साल पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना चूरा आ। ये थोड़ा बिच मिक्स करा, दो मुठियाँ ये मिक्स करा इनू। तो थोड़ा जहा इनू फंगस तो बचाने वास्ते थोड़ी जी मैं ये सुआह पा देनी है। आ कोयले की राख होंगी जी, ये भी बरसात करके थोड़ा जहा हो गया सीगा। थोड़ी जी पावगी, ज़्यादा नहीं पानी, ये थोड़ा जहा फंगस तो बचा हो जाएगा पौधे दिया जड़ा। तो इनू आप मिक्स करके दोवों के इस तरह भरा। एक ये मैं एक ये गमला तैयार किया। तो ये एक ना मेरे को वेस्ट सीगा पिया, ये नवा ही मेरे को पॉट टुट गया सीगा। ये मैं की किया, ये जड़ा आ पुराना सीगा, ए वाला पुराना मेरे को पिया सीगा पीस गमले का। इनू मैं इस तरह ये ठीक, पहला मैं एक कपड़ा सिंगल कपड़ा किया सीगा, पर सैट नहीं सी बैठता। हुण मैनू एक कपड़ा होर ये अटैच करना पैना है, क्योंकि एदा साइज़ जेड़ा थोड़ा जा छोटा आ पॉट्स दे नालों। इस तरह करके मैं इनू ये इस तरह करके चंगी तरह अटैच किया, तो बाकी जेड़ा है नाल करके चंगी तरह इनू कस देवांगे। ठीक है, इस तरह करके उस तो बाद ये मैं थोड़ी जी मेरे को हैगी है ट्रैक्टर वाइन पुरानी हैगी है। ठीक है ना, थोड़ी इनू सैट करांगे विच, थोड़ी इनू सैट करके फिर मिट्टी पानी। देखो मैं थोड़ी जी भर ली है, अद्धा अद्धा पॉट कर लिया है। इनू थोड़ा जहा दबा के ये मैं कनेर लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा जहा साइज छोटा हो जाना वा। ए भला मैं कनेर इस तरह लगाऊंगी, इनू सेंटर से रख के, तो बाकी मिट्टी असी बाद भरांगे। ये ना मैं थोड़े थोड़े आ मेरे को ना बनाना दे पीस पे आ, इन्हों इस तरह ही रख देना वा नाल। ये तीन चार धुप्पा इन्हों लगिया हुई है, इन्हों कोई टेंशन वाली गल नहीं है, कोई फंगस वाली गल नहीं है। इस तरह कर लेना, बाकी असं आ मिट्टी के इस तरह भर देंगे। इस तरह ही असी अपराजिता इस तरह रख के ये सारी मिट्टी ये पावे। थोड़े जे मेरे बनाना शेक दे बनाना दे केले दे छिलके जड़े वो भी ये ही पा दिते सीगे। इस तरह हौली हौली भर के सारा, तो कोशिश करांगे कि इनू दो चार दिन छावे ही रखांगे। ये थोड़ा जहा इनू स्ट्रेस घट लगेगा, थोड़ा जहा प्लांट खुश हो जाता ये। इस तरह छां च रखन नाल ना प्लांट नू खुशी मिलती है, थोड़ा जहा वधिया ग्रो कर लैंदा। धुप्प विच ते फिर शौक जे चा जांदा, पत्तियां एकदम फिर डिगन लग जांदियां। इस तरह रिपोर्टिंग तो बाद नहीं ते इस तरह इनू चंगा लगता है छां च रह के, पत्तियां डिगन गईआं ने। इस तरह थोड़ा जहा दबा दबा के इस तरह करांगे, चंगी तरह हिलावांगे कि मिट्टी सारी इकसार हो जाए। ठीक है, इस तरह करके दबा दबा के चंगी तरह भरांगे कि कोई एयर बबल्स ना ये रह जाए साइडां तों भी। इस तरह करके तो ये देखो जी साड़ी रिपोर्टिंग हो गई आ दोवां दी तैयार। तो हुण असीं इहदे विच पावांगे पानी। पानी पाउण लई असीं थोड़ा जिहा चंगी तरह पानी पावांगे, जिहड़ा कि चंगी तरह नीचे तक जड़ां तक चला जाए पानी। इस तरह इहदे विच भी चंगी तरह पानी पावांगे असीं, नीचे तक चले जाए जड़ा है कि हौली 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 जाएगा। एकदम भी नहीं पानी निकलना चाहिए, उहदे नाल भी फिर जड़ां नूं ते पानी लगदा ही नहीं जे एकदम निकल जाए। तो इस तरह करके थोड़ा थोड़ा पानी
एक बार असी रच के पावे, उस तो बाद इनू पानी असी उदो पावे जो थोड़ा थोड़ा उपरों लगेगा कि थोड़ा ड्राई हो रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरी छोटी जी शेयरिंग, बहुत सोने हेल्दी ग्रो करेंगे, देखते हैं इन्हों का रिजल्ट की मिलता है। ओके जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मिलते हैं किसी होर नवी वीडियो के नाल, तद तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।